जी नमस्कार, स्वागत है। मैं नए वीडियो में इस वीडियो में आप लोग बताने वाले हैं कि अगर आप लोग जो है पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहेगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों का जो है पीएम किसान योजना का जो है अब लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि उसको इस योजना से जो है वंचित करने जा रहे हैं सरकार, जिनको पहले से 2000 का इंस्टॉलमेंट आ रहा है। ठीक है, उन्हीं लोगों का जो है मतलब उसमें से जो है छटाइया होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो उसमें से आपको जो है कैसे आपको बचना है तो आप लोग को यही बताऊंगा इसमें। और फिर इतना ही नहीं, आप लोग को जो है बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि यहाँ पे मेरा तो ई KYC हुआ है तो क्या मेरा भी जो है यहाँ पे होगा, तो यहाँ रियली में होगा। आपको इस वीडियो को इसके लिए मतलब इससे बचने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो पति पत्नी दोनों उठा रहे हैं लाभ, ठीक है, पीएम किसान योजना का, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होने जा रहा है आप लोग को वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और इससे बचने का भी क्या तरीका है आप लोग को ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे 24 अप्रैल को जो है यहाँ पे ग्राम संगठन हुआ था, हर जिले के हर पंचायत में हुआ था, तो आप लोग भी जो है जानते हुए अच्छी तरीका से आप लोगों को पता होगा। तो उसी ग्राम संगठन के बाद ये जो है निर्णय लिया गया है। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे कुछ इस तरीका का बहुत सारे किसानों का जो है यहाँ पे मैसेज आया है किसान क्रेडिट कार्ड के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या रियली में आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा यानी नहीं मिलेगा, यानी KCC लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर मिलेगा तो ये फॉर्म कहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ये फॉर्म जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि 24 अप्रैल को जो है ग्राम संगठन हुआ था। आप सब लोगों को जो है पता होगा कि 24 अप्रैल को जो है सभी पंचायत में जो है ग्राम संगठन हुआ था। उस ग्राम संगठन में निर्णय लिया, उसमें बताया गया कि जो भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं, जो भी पहले से लाभ ले रहे हैं, उन सभी को जो है सोशल ऑडिट करवाना पड़ेगा, तभी जो है उन लोगों को जो है पीएम किसान योजना का जो है पैसा जो है उनके अकाउंट में आता रहेगा, नहीं तो जो है वैसे लोगों का जो है बंद हो जाएगा जो सोशल ऑडिट नहीं करवाएंगे। तो ये सोशल ऑडिट क्या है, सोशल ऑडिट ये क्यों लाया गया है, तो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सोशल ऑडिट ये जो है इसीलिए लाया गया कि फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है शुरू में भी देखे होंगे कि जब पीएम किसान योजना का जब नया सही जो नया मतलब ये योजना आया, उस समय जब अप्लाई ये चल रहा था, तो उस समय जो भी लाभार्थी थे वो जो है किसी का भी रसीद लेकर के किसी भी के नाम पे भी जो है अपलोड कर देते थे, पास हो जाता था और उनका पेमेंट भी जो है अभी तक आ रहा है। तो वैसे ही किसानों को यहाँ पे सरकार जो है मतलब सरकार जो है उसी के लिए जो है सोशल ऑडिट लागू किया है, ताकि वैसे लोग जो है यहाँ पे उससे मतलब जो लाभ ले रहे हैं गलत तरीका से, वैसे लोग जो है मतलब इसे बचे। और फिर इसमें बहुत सारे लोग इसलिए भी और लागू किया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो परिवार में मतलब जो है पति पत्नी दोनों और लाभ उठा रहे हैं, तो वैसे लोगों को भी जो है रोकने के लिए जो है इस तरीका का सोशल ऑडिट लागू किया गया है। तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि सोशल ऑडिट क्या है, ये सभी को करवाना अनिवार्य है। तो फिर मैं आप लोगों का मतलब कहना चाहूंगा कि सोशल ऑडिट ये सभी को करवाना अनिवार्य है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एक मैसेज आया, तो पहले बारी बारी से समझिए। सोशल ऑडिट मतलब अब सभी मतलब जो भी लाभार्थी है जिनको पेमेंट आ रहा है, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि हम ई KYC करवा चुके हैं, क्या हमको भी सोशल ऑडिट करवाने का जरूरी है? तो हाँ, एकदम जरूरी है, कंपलसरी है। आप लोग जो है सोशल ऑडिट ई KYC करवा चुके हैं तो भी आपको सोशल ऑडिट करवाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का जो है 2000 का इंस्टॉलमेंट जो आ रहा है वो हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। सोशल ऑडिट में आपको जो है मतलब ये किनके पास जमा करना पड़ेगा और ये कब तक डेट है सोशल ऑडिट का, तो फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सोशल ऑडिट का 15 दिनों का डेट दिया गया है। और फिर ये जो सोशल ऑडिट करने के लिए ये जो है आपके जो मुखिया है, मुखिया के पास भी जो है यहाँ पे लिस्ट आ चुका है, और जो आपके वार्ड मेंबर है उनके पास भी आ चुका है, और कृषि सलाहकार है उनके पास तो ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, तो मतलब इन जो भी बताए हैं वार्ड और मुखिया और जो है मतलब ये क्या बोलते हैं मतलब कृषि सलाहकार, उनमें से किसी भी के पास भी जो है आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको जमा करना है, जिनके पास आपको सुधा उनके पास आप जमा कर दीजिएगा, उसके उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अपना आधार कार्ड, किसान रजिस्ट्रेशन, बैंक खाता का फोटो शीट और जमीन का रसीद, जो अपने नाम से जमीन का रसीद हो जमा करना है। आप अपने परिवार वार्ड मेंबर समिति मुखिया जी के यहाँ या मेरे के पास चारों आदमी जहाँ आपको सुविधा है वहाँ आप जमा कर सकते हैं। रसीद उनके भी नाम से होना चाहिए जिनके नाम से
पेमेंट ये 2000 का इंस्टॉलमेंट आ रहा है। आपके नाम से नहीं है तो आपके पिताजी के भी नाम से रसीद होगा तो भी चलेगा, अगर आपके पिताजी के भी नाम से नहीं है, अगर आपके मम्मी के नाम से है तो भी चलेगा, क्योंकि आपके मम्मी वाले रसीद पे भी जो है वहां पे आपके पिताजी का नाम लिखा होगा और आपका जो है किसान रजिस्ट्रेशन है उस पे भी जो है आपके पिताजी का नाम लिखा होगा, तो वहां से दोनों को जो है मैच कर लेगा कि हाँ इन्हीं के जो है मतलब जो है पिताजी का जो है या मम्मी का जो है रसीद है, ठीक है। और अगर आपके बाबा के नाम से है और वो रसीद लगाते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है रिजेक्ट करार दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि जो है मेरे बाबा के नाम से है तो क्या मेरा हिस्सा तो इसमें ऑलरेडी तो बनता ही है, तो बनता तो है, तो उस कंडीशन में आप जो है एलपीसी बना कर दीजिए, क्योंकि कंडीशन यही है कि एलपीसी लगा करके देना है, ठीक है। और फ्रेंड यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि वंशावली जो है दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो देखिए आप अपने कृषि सलाहकार से बात कर लीजिएगा, वंशावली के बारे में अभी हम भी सर्टिफाइड नहीं है कि वंशावली इसमें चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। हमें तक जहां तक उम्मीद है कि वंशावली जो है इसमें शायद कम ही मतलब उम्मीद है कि वंशावली जो है लेगा, ये आपके किसान सलाहकार के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। और फिर मैं आप लोग बता दूं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि जो पति पत्नी दोनों लाभ उठा रहे हैं, तो उनके लिए जो है क्या यहाँ पे इसमें अपडेट है, तो इसमें अपडेट ये है कि उनके लिए अभी अच्छा मौका है, अगर जो है अभी इस मौका को अगर वो जो है छोड़ देते हैं तो फिर आगे चल के उनको काफी मुश्किल का जो है सामना करना पड़ेगा। तो ये अच्छा मौका क्या है, तो उनको जो है अभी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप पत्नी पत्नी ले रहे हैं तो उसमें से कोई दोनों आदमी में से कोई एक आदमी को जो है बंद करवाना पड़ेगा, तभी उनका जो है मतलब एक आदमी का रेगुलर आएगा पेमेंट 2000 का इंस्टॉलमेंट, अगर वो अभी नहीं बंद करवाते हैं किसी तरीका से। जैसा कि देखिए अभी इसमें तो बचने वाले है नहीं, क्योंकि ये जो लिस्ट है कृषि सलाहकार ने पंचायत जो मुखिया है उनके पास भी सबमिट कर दिए, और मुखिया जो है उन्होंने जो है वितरण कर दिए हैं जो वार्ड मेंबर है, तो उन्होंने जो है सब लिस्ट जो है सेंड कर दिए हैं वार्ड मेंबर को, कि वार्ड मेंबर को सूचित कर दिए हैं कि आप अपने वार्ड में देखिए कि कौन से व्यक्ति पति पत्नी दोनों लाभ उठा रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो है जो भी पकड़ा जाएगा उसको जो है बंद किया जाएगा, अगर इस कंडीशन में अगर आप अभी बचा लेते हैं, ठीक है, उसको मतलब बातचीत करके बचा लेते हैं तो आगे चल के होगा क्या कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट अभी जो मतलब अगर अभी बंद करवा लेते हैं तो इसमें से जो भी इंस्टॉलमेंट आपका आया हुआ है इसमें से एक भी पैसा आपको जमा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, एक आदमी का आसानी से अभी बंद हो जाएगा। अगर नहीं बंद करवाते हैं तो उस कंडीशन में आगे चल के दोनों आदमी का जो है होल्ड कर दिया जाएगा, यानी पति पत्नी दोनों का पेमेंट आना बंद हो जाएगा, प्लस में उसको एक नोटिस जो है सरकार के द्वारा आएगा, उसमें जो है उस जो भी पैसा इंस्टॉलमेंट आएगा आया हुआ है उन पैसा को जो है बोलेगा जमा करने के लिए, प्लस में उस पर कानूनी कार्रवाई भी जो है होगा, ठीक है। तो यही कंडीशन है, और फिर मैं आप लोग बता दूं उसके लिए मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो पति पत्नी ले रहे हैं वो आप जो है आसानी से आप लोग जो है जा करके जो है अपना एक जो है बंद करवा लीजिए, अगर एक बंद अभी करवा लेते तो एक रेगुलर रह जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी बाधा नहीं आएगा, ठीक है, यहां तक समझ गए। और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि क्या हमें जो है एक इस तरीका का केसीसी का जो है एसएमएस आया है, तो क्या केसीसी रियली में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल मिलेगा केसीसी। एक फॉर्म आई है केसीसी के लिए, उस केसीसी जो भी बैंक से पहले लाभ ले चुके हैं उनको ये केसीसी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, नए स्तर से मुख्यमंत्री के द्वारा जो बताया गया तो दूसरे बैंक के माध्यम से आपको तो केसीसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, कहां पे आपको जो है जाना पड़ेगा, तो केसीसी के लिए आपको जिस भी बैंक में 2000 का इंस्टॉलमेंट आता है उस बैंक में आपको जाना है, आपको जो है ये वाला फॉर्म फिल करना है, ये वाला फॉर्म फिल करके और उसमें आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन का जो भी आपका रसीद है और किसान रजिस्ट्रेशन, ये चीज आपको ले जाना पड़ेगा बैंक में, और वहां पे जो है बैंक मैनेजर के पास जो है सबमिट करना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट जो है अपने मुखिया के पास भी जो है केसीसी के लिए जो है मुखिया जी के पास जाइएगा, उनको बोलिएगा कि हमको जो है 2000 के मतलब पीएम किसान योजना के तहत जो केसीसी लोन दिया जा रहा है, जो हमें मैसेज आया है उसके तहत हमें केसीसी लोन दिलवा दीजिए, तो उसमें जो है आपको बिना रसीद जमा किए 50,000 आपको केसीसी लोन दिया जाएगा, ठीक है। अगर उससे ऊपर लेते हैं 50,000 से ऊपर 2,00,000 तक इसमें लोन दिया जाएगा, अगर मतलब 50,000 से ऊपर अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें आपको जो है जितना मतलब ज्यादा पैसा मतलब लेना केसीसी लोन लेना चाहिएगा उतना ज्यादा आपको जो है उस कंडीशन से रसीद आपसे मांग किया जाएगा, ठीक है। तो यही कंडीशन है, और फिर मैं आप लोग बता दूं यह बेसिक जानकारी के लिए जो है किसान सलाहकार से भी बात कर सकते हैं, किसान सलाहकार भी जो है आपको केसीसी लोन आसानी तरीका से आपको करवा देंगे, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में अपडेट, तो ठीक है यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज बताने जा रहा हूँ,
ये जो भी बताया हूँ, ये जो ग्राम संगठन में बात हुआ था, ये जो है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताया हूँ। यहाँ पे ग्राम संगठन में इतना चीज तो नहीं बताया गया था, लेकिन हमें जो है मतलब पर्सनल से जो है हमने बात की है तो उसमें ये चीज बताया गया है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बात है जो गुप्त रखे गए हैं, जो बताना मतलब वीडियो में ऐसा मतलब अलाउड नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में। तो फिर ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।